गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मंडे है तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। तो उससे पहले मैं अभी नहा के आई हूँ और मैंने बहुत ही प्रिटी सा एक ड्रेस पहना हुआ है जो कि मेरे फ्रेंड ने अपने बुटीक में बनाया था स्पेशली मेरे लिए। ये कस्टमाइज्ड ड्रेस है, आप भी वहाँ से बना सकते हो। और इस ड्रेस का व्यू मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दूंगी, बट उससे पहले मैं सोच रही थी कि मैं रेडी हो जाऊँ, तो रेडी होने का कुछ भी नहीं है। मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है निकलते ही बाथरूम से, और अभी मैं सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करूंगी और उसके बाद हम रेडी होके जाएंगे शॉपिंग पे। घर की कुछ चीज़ें खरीदनी है प्लस खाने पीने का भी कुछ चीज़ें खरीदना है। कल संडे था तो संबित ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लेके आ गए थे, बट फिर भी कुछ चीज़ें बाकी थी जो मुझे आज खरीदनी थी, तो मैंने सोचा है कि आज जाके खरीद लेते हैं। तो इस साइड से लाइट बहुत कम आ रही है, इस साइड से ठीक है। तो हाँ, सो आई थिंक आई एम रेडी। तो गीले वालों को ना मैं बहुत ज्यादा नहीं कोम करने वाली हूँ, तो हल्का सा मैंने कोम किया है। यहाँ पे सारे कपड़े पड़े हुए जो मैं आके ठीक करूंगी, और हल्का सा कोम किया है सिर्फ नीचे ताकि पागल ना लगूं मैं बाहर जब जाऊंगी तब। तो अभी रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम लोगों को लेना है पर्स और मास्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिटाइजर ऑलरेडी कार में है, तो लेट्स गो। Sambit, do you want to show them your face? No. Sambit. Tiju. Ready? Chalo. Bye, Tiju. Bye. Bye, Tiju. Bye. हम मेरे को के धोड़ो। Sambit अभी lock कर रहा है the door. Tiju अभी परेशान नहीं कर रहा है, so मेरा ये जो mask है ये Sugar ने मुझे send किया था। मास्क उतारो। पागल है क्या? कितने पागल तेरी पीने सुने परदेसी। अभी थोड़ी देर पहले ना बारिश आ रही है, आ गई थी ना, अभी बारिश देखिए, धूप आ गई है, बारिश खत्म। ये बैंगलोर का वेदर कितना प्लेजेंट वेदर है। अभी अभी आप लोग सोचोगे कि मंडे को ही क्यों जाना हो रहा है, क्योंकि हम लोग सैटरडे और संडे दोनों ही दिन ट्राई कर रहे थे जाने का, बट प्रॉब्लम ये था कि दोनों ही दिन बारिश आ चुकी थी और उसके बाद हम नहीं जा पाए थे। सो दैट्स द रीज़न कि आज हम मंडे को जा रहे हैं। और आप लोगों को मैं व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का, कितना सुंदर व्यू है। ओह, दिख ही नहीं रहा है। और अभी आईपीएल शुरू हो गए। संबित, आईपीएल के बारे में क्या कहना है आपका? आईपीएल के बारे में, आईपीएल तो इस साल थोड़ा अलग सा आईपीएल हो रहा है, कोई क्राउड है नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, तो खाली स्टेडियम में क्राउड, बिना क्राउड के आईपीएल चल रहा है, लेकिन काफी अच्छे गेम्स हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, ये हम लोगों के अपार्टमेंट सोसाइटी का मंदिर था वहाँ पे, मैं आने के टाइम दिखा दूंगी। सॉरी संबित टू इंटरप्ट यू। नहीं, वही बोल रहा था, बहुत अच्छे अच्छे मैच हो रहे हैं, ये दो ही मैच हुए हैं लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे मैच थे। हाँ, तुम्हारा फेवरेट धोनी भी तो खेल रहा था ना। हाँ गाइस, आप लोग भी बताना नीचे कमेंट करके आप लोगों को धोनी पसंद है कि नहीं, क्योंकि संबित तो मतलब बहुत बड़ा फैन है धोनी का, और मुझे भी काफी पसंद है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा बड़ा फैन है। तो अभी हम रास्ते पे आ चुके हैं, ये देखिए। तो अभी कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट तो लगे जाएंगे। ऑलरेडी लेट है, हम हेलीकॉप्टर जा रहा है, खरीदना है ना तुम्हें। स्ट्रॉबेरी मोबाइल तुम कर
अभी हम सीजर के लिए कुछ ट्रीट्स ले रहे हैं। और देख लो ना कुछ होगा, चू स्टिक ले सकते हैं। शॉपिंग हो गया है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सिल्वर का शॉप है, संबित लेके चलोगे? हाँ, नेक्स्ट टाइम मतलब कभी नहीं। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कार पार्क की तरफ। वी आर डन विद द शॉपिंग, है ना? ग्रोसरी शॉपिंग और खाने पीने की चीजें। संबित कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मॉल में आके। थोड़ा जोर जोर से बोलो, बाहर है ना हम लोग। बहुत दिनों बाद मॉल में आके अच्छा ही लग रहा है। हाँ गाइस, कैन यू इमेजिन, हम लोग आज फर्स्ट टाइम मॉल में आए हैं। इतने दिनों तक हम लोग मॉल में आए ही नहीं, एंड फर्स्ट टाइम आए हैं। और मैं फिर से अपना मास्क खरीदना भूल गई, और यहाँ पे कुछ अच्छा मास्क मुझे मिला नहीं, तो मे बी हम ऑन द वे जाते वक्त अभी खरीद सकते हैं, वरना नेक्स्ट डे संबित खुद आके खरीद लेंगे, है ना संबित? यस। सो गाइस, अभी हम लोग घर जाएंगे और फिर मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया है। पर जो भी शॉपिंग किया है वो थोड़ा सा तो एक्सपेंसिव है ही, क्योंकि हम लोग जहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग किया है वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। मतलब आप जस्ट अपना मुंह खोलो, क्या चाहिए आपको, यू विल गेट एवरीथिंग। और यहाँ पे ना यूके वाली चीजें मिलती है। हम लोग जब लंदन में थे तब जो भी चीजें मिल रही थी, तो इसलिए ये देख के संबित बहुत खुश हो गया, है ना संबित? और हम लोगों ने एवोकाडो खरीदा था, जो हम लोग फिर रख के आए हैं। वो क्यों रख के आए ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, घर जाके बता दू। वैसे बैंगलोर की ये चीज मुझे बहुत पसंद है। हर जगह आप देखो, जिस भी जगह आप देखोगे मोस्टली ग्रीनरी है। पहले तो और भी ज्यादा थी ना? हाँ, पहले और भी ज्यादा ग्रीनरी हुआ करता था, लेकिन अभी तो मतलब जैसे जैसे लोग आने लगे और टाइम जा रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। हाँ, इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, तो और लोगों ने अपार्टमेंट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, उस वजह से ग्रीनरी थोड़े बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत दूसरे सिटीज से तो ग्रीन ही है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये ग्रीन जो चलता है। संबित हमेशा ही कहता रहता है, ये पता है क्या, बैंगलोर को गार्डन सिटी भी बोलते हैं। हाँ, गार्डन सिटी बोलते हैं, ये मुझे पता है। गुड। ओ, ये वाली जो नर्सरी है ना, यहाँ से हम लोगों ने हमारे मनी प्लांट, स्नेक प्लांट वगैरह खरीदे थे, है ना संबित? फिर से हाँ, मैं पूछूंगी है ना संबित, संबित बोलेगा हाँ। ओके। और मुझे ना मोशन सीकनेस है, तो मैं गाड़ी में बैठ के ज्यादा बात नहीं कर सकती, और अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा सर ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो मैंने आप लोगों को कहा था ना कि आने के टाइम मैं आप लोगों को मंदिर दिखाऊंगी हमारे सोसाइटी का, तो ये है हमारे सोसाइटी का मंदिर। तो गाइस, ये वाला जो ड्रेस है, ये ड्रेस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, स्पेशली बिकॉज कि इसका मटेरियल काफी ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हो या कोई भी डिजाइन का ड्रेस बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे फ्रेंड की बुटीक में बना सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करती है, क्योंकि वो अभी आसाम में उसने बनाया है ये ड्रेस, और उसने मुझे बैंगलोर में डिलीवरी किया है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है, एक हफ्ते के अंदर मुझे मिल भी गया ड्रेस। तो आप जरूर कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वगैरह सब कुछ दे दूंगी, कॉन्टेक्ट नंबर भी, आप कॉन्टेक्ट करके उससे बात कर सकते हो। जैसे भी कस्टमाइज आप चाहते हो, स्पेशली अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो उसके लिए आप कोई भी कस्टमाइज सलवार साड़ी भी वो बना सकती है। तो आप अपना जस्ट रिक्वायरमेंट उसको बताना, फिर आप लोग डिस्कस कर लेना। सीजर के वॉक का टाइम हो चुका है, सो सीजर इज मैड नाउ। सीजू, He is the one who is closing the door. Guys, देखो, बस इतना सा ही सामान है, और इतने से सामान में इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और उससे भी ज़्यादा हो गया था, मैंने संबित को कुछ बोला है जिससे उसका थोड़ा पैसा सेव हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको होम डेकोर दिखाती हूँ। तो ये है टेबल मैट,
ये मेरे इस राउंड टेबल के साथ बहुत अच्छे से जाएगा, प्लस मैं इसे डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकती हूँ। ये 65 रुपीज़ का था, तो ऐसे 6 है। देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है ये मैट। ये सीजर का है, ये सॉसेजेस है, ये सीजर के सॉसेजेस है जो दो फ्लेवर में है, एक है ये प्रीमियम चिकन और दूसरा है ये रियल लीवर। तो फिर है सीजर का ट्रीट, तो ये जो है ये है च्यू ट्रीट, ये है रियल चिकन स्टिक, कैरेट फ्लेवर का है। दूसरा है ये वाला रियल चिकन स्टिक मिल्क फ्लेवर। तो ये दो है, ये दो भी सीजर के हैं। ये स्टिक्स अच्छे होते हैं, स्पेशली उनके दांतों के लिए भी अच्छा हो। संबित का फेवरेट जो कि है मिर्ची, तो ये ना बहुत तीखी मिर्ची होती है और संबित को तीखी मिर्चियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये ज़ीरो पेस्टिसाइड है। ये इतनी छोटी सी मिर्ची का पैकेट ना 50 रुपीज़ का था, बट संबित को चाहिए था तो वी कांट डू एनीथिंग। एक में है मेरी जिंजर कैंडी, दूसरे में है ये है येलो चेडर, चेडर चीज़ होता है ना वो है येलो चेडर, और जिंजर कैंडी ये वाला येलो चेडर। ये है 3 जो वहां से हमने लिया था। ये है ड्राइड स्ट्रॉबेरी और ये है पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स भी काफी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये संबित का फेवरेट जैम है, इस टाइप के जैम संबित को काफी पसंद आते हैं। ये है चेरी एंड बेरीज प्रिजर्व का जैम, मैकेस का। ये है मेरा डिफ्यूजर ऑयल खत्म हो चुका था तो वो है ये। ये है रेड रिफिल पैक है ये एप्पल सिनेमन। ये स्मेल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आया, पर संबित को काफ़ी पसंद आया है तो इसीलिए से मैं इस कंपनी का ही यूज़ करती हूँ। पर मैंने जैस्मिन और एम्बर रोज़ यूज़ किया था पहले, तो ये वाला एप्पल सिनेमन ये फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, तो आई होप कि अच्छा हो। फिर संबित ने अपने लिए लिया है कुछ यमी डाइजेस्टिव कैंडीज, अनारदाना। बेसिकली ये अनारदाना की गोली है। दीज आर बेरीज, तो ये है ब्लूबेरी, ये है क्रैनबेरी। तो ये फ्रीजर में अभी जाएगा क्योंकि ये फ्रोजन है, इसमें आर्टिफिशियल शुगर कलर और प्रिजर्वेटिव नहीं है। ये इसका प्राइस है 233 और इसका प्राइस है 275। हो गया हमारा शॉपिंग, छोटा सा मिनी सा। और अभी मैं आपको जो बताने वाली थी मैंने कैसे पैसे सेव किए, तो हम लोगों ने 2 एवोकाडो लिया था जो ओरिजिनल एवोकाडो। वैसे तो यहाँ पे बटर फ्रूट जो है वो मिलता है बहुत इजीली, बट जो ओरिजिनल एवोकाडो था वो हमने लिया था। हम देखते हैं कि बिल आ गया बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा कि अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, क्योंकि इतना ही कम सामान है। संबित बोल रहा है कि नहीं मैंने तो सोचा ही था इतना आएगा, ले लेते हैं क्योंकि फिर कभी निकलेंगे, क्योंकि 7-8 महीने बाद हम ऐसे निकले हैं। फिर मैं देखती हूँ ना अचानक से एक जगह पे 900 समथिंग का कुछ है, मतलब 900 रुपए का क्या चीज मैंने लिया। फिर मैं देखती हूँ कि एवोकाडो जो है ना, 2 एवोकाडो का प्राइस था 917 या 71, ऐसा कुछ था। मेरा देख के दिमाग खराब हो गया। मैं संबित ये एवोकाडो इतना एक्सपेंसिव है, तब जस्ट हम निकले ही थे उस फूड मार्केट से बाहर, तो मैंने बोला इसको जाके अभी रिटर्न करके आओ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो बोले श्योर, मैंने बोला हाँ ऑब्वियसली इतना एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। फिर वो गया अंदर, उसने रिटर्न करवाया और फिर उससे 900 समथिंग रुपए का हम लोगों को बचत हो गई। नहीं तो आप सोचिए 2 एवोकाडो का प्राइस 900 रुपए। एवोकाडो इज सो एक्सपेंसिव हियर, मैं वही सोच रही क्या ही कर सकते हैं। मन कर सकता है ना कि कभी मतलब महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार एक एवोकाडो खाए, तो उसके लिए एक एवोकाडो के लिए हमें 500 रुपए स्पेंड करना होगा, विच इज टू मच, लाइक वे टू मच। तो ये मेरा व्यू है, मैं इतना खर्चा नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना कि 500 रुपए सिर्फ एक फ्रूट के लिए खर्चा करना सही है या नहीं। मेरे हिसाब से एकदम सही नहीं है। ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर ये ड्रेस पसंद आया हो तो इसका जो भी डिटेल्स है मैं दे दूँगी, चेक कर लेना। मुझे आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में, वहाँ पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।